हाँ, कल और परसों दोनों दिन का शोज हाउसफुल है मेरा। नहीं, ये तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। टिकेट्स, हाँ वो मैं देखती हूँ ना। अरे नहीं, आप जैसी बड़ी हस्ती मुझसे टिकट मांगे और मैं ना कर पाऊँ। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए। आप जैसी बड़ी हस्ती मेरा शो देखने आना चाहती है, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल ऐसा मत बोलिए, टिकट का बंदोबस्त हो जाएगा। आप अपने ड्राइवर को सुबह सुबह भेज दीजिए मेरे पास। अरे मैं टिकट दूंगी जी। सृष्टि मुखर्जी का शो है बाबा, वो नहीं आएगी? मतलब जरूर आएगी। वैसे ऐसे टिकट्स में किसी को देती नहीं हूं, पर ये थोड़ी अलग बात है। मिनिस्टर है और इनसे मुझे बहुत सारी परमिशंस निकलवानी है बाद में। क्या कहा? मैं ऑपोर्चुनिस्ट हूं। ऑपोर्चुनिस्ट हूं। हाँ, हूं मैं ऑपोर्चुनिस्ट। तो क्या हुआ? तो इससे कोई महाभारत बदल गई क्या? आपको क्या लगता है, बड़ा आदमी होने के लिए टैलेंट काफी है? कितना कितना भोला भाला है आप सब। टैलेंट होता है पर उससे क्या होता है? सब खेला है, मैनिपुलेशन का खेला। नहीं तो सृष्टि मुखर्जी, दो सृष्टि मुखर्जी, बॉन पाती, बॉन पाती कभी कभी नहीं। अरे हमसे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा टैलेंटेड लोग थे, लेकिन सृष्टि मुखर्जी फूड मार्केट की पूरी चेन की टॉप मोस्ट प्रिडेटर है। बाकी सब किधर गया? हाँ, निकाल दिया, समझे? तो मैनिपुलेशन जरूरी है। कैसे किया हम ये सब? पूछो पूछो, कैसे किया हम? ऐसे सबको लाइन में लिया, कॉन्टेक्ट बनाया, सबको कॉन्फिडेंस में लिया, मैनिपुलेट किया, सबको ये एहसास दिलाया कि वो सब लोग सृष्टि मुखर्जी से फेवर्स ले रहे हैं, और फेवर्स तो लौटाने पड़ते हैं, समझे? करियर इतनी आसानी से नहीं बनता है। करियर बनाने के लिए किसी के ऊपर से गुजरना पड़ता है, इससे पहले कि कोई आपके ऊपर से लांग के जाए। बेहतर यही है कि पहले खुद छलांग लगाओ, क्या पता आपके हाथ में सोना आ जाए।